तो राज्य में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और बेरमो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी रेस है। तमाम तैयारियां कांग्रेस कर रही है ताकि बेरमो सीट एक बार फिर से उसकी झोली में जाए। रामेश्वर उरांव दो दिवसीय बेरमो दौरे पर रहेंगे और वहां तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश देंगे ताकि ये चुनाव किसी भी सूरत में जीत सके कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट रही थी। राजेंद्र प्रसाद यहाँ से विधायक थे लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है और अब यहाँ पर फिर से जीत के दावे के साथ कांग्रेस मैदान में उतर रही है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे रामेश्वर उरांव, बेरमो जाएंगे। सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विपिन, अब उपचुनाव के लिए तैयारियां दिख रही हैं और कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। रामेश्वर उरांव दो दिन के दौरे पर बेरमो पहुंच रहे हैं, क्या और तैयारियां हैं? अभी भी नोटिफिकेशन इन दोनों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हो सकता है, उसी की तैयारियों के निमित्त पूरी तरह से कांग्रेस ने अब अपनी ताकत झोंक दी है बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर। इसी कड़ी में भारत कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामेश्वर राव, जो राज्य में वित्त मंत्री भी हैं, उनका दो दिवसीय दौरा कल से शुरू हो रहा है बेरमो में। वो अगले दो दिनों तक जो भी प्रखंड अध्यक्ष है बेरमो में, बेरमो विधानसभा के अंतर्गत जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सबके साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो एक रणनीति है इस उपचुनाव को लेकर वो तय करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी इस दौरे पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव को लेकर अब पूरी तरह से गठबंधन एक तरह से कहे। लगता है विपिन से हमारा संपर्क कट गया है। तो पूरी तैयारियां में कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं और बेरमो सीट किसी भी तरह से अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती कांग्रेस। मैं घूमूंगा, मैं चार प्रखंड हैं बेरमो विधानसभा के अंतर्गत, चारों जगह कल और परसों दोनों मिलाकर के घूमेंगे हम। वहाँ के प्रखंड अध्यक्षों से बात करेंगे, पंचायत अध्यक्षों से बात करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है उसके लिए पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है, झारखंड के लेकर भी क्या जल्द घोषणा हो सकती है? नहीं, निर्भर करता है दिल्ली पर, दिल्ली को ही घोषणा करना है, हमें कोई जानकारी नहीं है। जब घोषणा होगा स्वीकार करेंगे उनको। सरकार के लिए पहला कहा जाए कि लिटमस टेस्ट हो सकता है? हाँ, पहला लिटमस टेस्ट होगा, लेकिन हम लोग जीतेंगे, दोनों जगह जीतेंगे। अरे तो क्या करेंगे बेचारे, तो बोलना है, हम लोग का तो सीट है, जनता ने जिताया था, कुछ कारणों से उपचुनाव हो रहा, रिक्त हुआ, उपचुनाव हो रहा, तो लोग जीते हुए पहले से हैं, है ना।